राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धरोहर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। अफगान से वापसी के बाद पहली बार तालिबान संग बातचीत करेगा अमेरिका। भारत सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता को सबके सामने ला रहा भारत, आने वाले दिनों में हो सकती है कई वार्ता। हंगरी और सर्बिया ने भी दी भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जताई खुशी। दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, परिवार संग जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए मिलेगी छुट्टी। कश्मीर में हुई हत्याओं पर एक्शन में सरकार, आज अमित शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कर सकते हैं मुलाकात। भारत और चीन के बीच कल ही होगी सीमा विवाद पर सैन्य वार्ता, हॉट स्प्रिंग से हटेगा ड्रैगन। कश्मीर में हिंदुओं पर हमला नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, शाह डोमल की मीटिंग में हो गया तय। दिल्ली में पेपर प्लेट फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 33 गाड़ियां मौके पर मौजूद। भारी बारिश से हैदराबाद बेहाल, कई जगहों पर बारिश का पानी घरों में घुसा। दिल्ली सरकार का निजी स्कूलों को आदेश, कम से कम एक टीका लगवाने वाले कर्मचारियों को ही आने दिया जाए स्कूल। एयर इंडिया की घर वापसी, 18,000 करोड़ रुपए की बोली से एयरलाइन को टाटा समूह ने अपने नाम किया। काशीराम पुण्यतिथि पर बसपा प्रमुख ने किया चुनावी मुद्दों का ऐलान, सरकार आने के बाद बदले की भावना से नहीं रोकेंगे सरकारी योजनाएं। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को देंगे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात, पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चमकेगा कुशीनगर। बद्रीनाथ केदारनाथ सहित चार धाम में बढ़ गई तीर्थ यात्रियों की संख्या, ई पास की अनिवार्यता समाप्त होते ही यात्रियों की संख्या में हो रहा इजाफा। हर स्कूल में तैनात होंगे अंग्रेजी कंप्यूटर के टीचर, सरकारी स्कूलों में छात्र बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश। क्रूज ड्रग्स केस में निर्माता इम्तियाज खत्री को एनसीबी का समन, बंद्रा स्थित घर और ऑफिस पर एनसीबी ने की छापेमारी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ डाउन, 33,000 उपयोगकर्ता रहे प्रभावित। आर्यन खान ड्रग्स केस में शाहरुख खान को बड़ा झटका, बायजूस ने लगाई विज्ञापनों पर रोक। कल से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों पर साझा करेंगे विचार। बिहार के रेल मंत्रियों के लिए बड़ी खबर, ठंड के दिनों में 26 ट्रेनें की गई रद्द, सप्ताह में 8 ट्रेनें ही चलेंगी। विपक्ष ने केरल सरकार पर कोरोना से हुई मौतों की सूची में गड़बड़ी का लगाया आरोप, जानबूझकर मौतों की संख्या कम दिखाई। लखीमपुर खीरी हादसे पर वार और पलटवार का दौर जारी है, वहीं प्रियंका गांधी पर असम के मुख्यमंत्री का तंज, हर सुबह घरों में लगाई जाती थी झाड़ू। मुंबई क्रूज शिप रेड में नवाब मलिक का आरोप है कि सब कुछ बीजेपी नेता के इशारे पर किया गया। लखीमपुर कांड, आशीष मिश्र से 3 घंटे से पूछताछ जारी, अखिलेश का तंज, मंत्री के बेटे को समन नहीं गुलदस्ता भेजा। एटा में मंदिर के पुजारी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, आरोपी पुलिस के हिरासत में।